तत्पदं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भारत की पवित्र भूमि पर समय समय अनेक महान आत्माओं ने जन्म लेकर समाज को स्वस्थ मार्ग प्रदान किए, जिससे भारत की संस्कृति विश्व भर में गौरवान्वित हुई है। ऐसी ही संस्कृति की देन है बाबा ज्ञानचंद जी महाराज। मनसस्पते अपक्राम परश्चर परो निर्वृत्या आचक्ष्व बहुधा जीवतो मनः भद्रं वये वरं व्रणते भद्रं युञ्जन्ति दक्षिणं भद्रं वै वस्वते चक्षुर् बहुत्रा जीवतो मनः जागृत स्वप्नः संकल्पः पापोयं द्विष्मस्तम् सारिच्छतु यो नो द्वेष्टि तं ऋच्छतु तं ऋच्छतु। का जन्म सन 1914 पंजाब के एक छोटे से गांव बुजियांवाली में पंडित शंकर दास जी के घर हुआ। ये गांव मेहता चौक से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर जिला गुरदासपुर में है। आपके जन्म से पूर्व एक अद्भुत घटना घटी, जिससे आपके पिता पंडित शंकर दास जी को अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय वे तालाब में स्नान करके घर की ओर लौट रहे थे, तभी उनको आकाशवाणी सुनाई दी। पंडित शंकरदास, अब के जो बालक तेरे घर जन्म लेगा वो एक दिव्य शक्ति का रूप होगा, परंतु उसके दर्शन करना तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा। 4 माह पश्चात पंडित शंकरदास जी के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। रब धरती ते आया चोला संता वाला पाया, रब धरती ते आया चोला संता वाला पाया, ओ प्रगट अंगने गंगा माँ अपना प्यार विखाया, ओ प्रगट अंगने गंगा माँ अपना प्यार विखाया, ए सब कौतक वेग वेग के तो उसके बाद जे छोटे थे बचपन से जब जे 5 साल के हो गए फिर उनका नेम वही रात को सब ने सो जाना उन्होंने चौके से उठा वहीं चले जाना तालाब के किनारे पर। जब वहाँ गए क्या देखा उन्होंने 3 आसन लगे हुए हैं, 2 आसन खाली पड़े हुए, एक पर बाबा जी बैठे हुए हैं। जी आप अकेले बैठे थे तो 2 आसन काय को लगे थे, 3 आसन काय को लगे तो कहने लगे हे माता ऐसे है वहाँ 2 किसी पुराने ज़माने के महात्मा समाए हुए हैं, एक ब्राह्मण है एक सरदार, उनकी जड़ाएँ इतनी लंबी है खड़े होते हैं ज़मीन में लगती हैं, जब हम जाते हैं वो दोनों बाहर निकलते हैं बीच में हमें बैठा लेते हैं, एक तरफ वो बैठ जाता है एक वो तरफ बैठता है तो हमें ज्ञान की बातें सुनाते हैं। संत जी 5 वर्ष की आयु से ही भिन्न भिन्न रूपों में चमत्कार दिखाने लगे। संगतां ने पिंड वाले ने पूछा भाई बाबा जी साढ़े नगर का कोई किस तरह नुकसान हो नहीं, कह लगे भी जो मैं संख पूरा तो ही सारे जिन्हें भी नगर दे हो ना भावें कोई कम करते हो हल बहाँ हो पट्ठे बढ़ते हो मंझा चारते हो पिंड आ जाना, उस वे संगत ने सारे नगर ने पिंड आ जाना, पिंड आने कोई नुकसान नहीं। उन्होंने मुस्कुरा कर मुझे कहा कि ये मेरी
पर ये नब्ज है ना, वो मेरे नब्ज देखो, मैं हेल्थ महकमे में काम करती, मतलब ट्रेनिंग करती थी, तो मेरे गुरु महाराज जी ने, मैंने उन्होंने जब मेरे को दिखाया तो उनकी कोई पल्स नहीं चल रही थी, नब्ज नहीं चल रही थी। तो जब दूसरी दफा मैंने कहा आपकी तो नब्ज नहीं चल रही, तो वो जो मैं तो बच्चा थी, बच्चों जैसे मैं बात कर रही थी, उन्होंने मुझे दोबारा किए आगे हाथ किया, कहते अब देखो, तो मैंने देखा तो गुरु जी की जो नब्ज थी चल रही थी। मैंने कहा पहले तो चल नहीं रही थी, अब कैसे चल गई जैसे बच्चे बात करते हैं। तो कहते हैं कि जाओ अब हमने ना आपको, जो आप डॉक्टरी का कोर्स कर रहे हैं ना, आप उसमें पास हो जाओगे, हमने आपको डॉक्टर बना दिया। मैंने जो भी लिया अपने गुरुजी के दरबार से ली। एक दिन मद्रास के सिद्ध सन्यासी स्वामी सीताराम जी संत जी की भक्ति की चर्चा सुनकर उनसे मिलने गांव बुजियावाली पहुंचे। एक रमता जोगी था मद्रासी, वो घूमता घूमता आ गया जिस वे इनके मामा के पास आया तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि मारा भांजा ऐसे ऐसे है, बड़े वो मालिक के खेल दिखाते हैं, बड़े चमत्कार दिखाते, छोटा सा है, इतनी जगह में लुक जाते हैं, इतनी जगह गायब हो जाते हैं, नज़र नहीं आते। उनके मन में चाह, चलो छोटा सा बालक कितना होनार, उसको देखने की इच्छा होगी उनके मन में। संत जी की भक्ति समय के साथ साथ ईश्वर रंग में रंगती रही। दिन प्रतिदिन इनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, लेकिन संत जी शुरू से ही एकांत प्रिय थे। संत जी का मानना था कि भक्ति एकांत में बैठकर ही की जा सकती है, इसीलिए गांव के बाहर एक कुटिया का निर्माण करवाया गया। तत्पश्चात संत जी माता जी व गुरु जी की आज्ञा से 16 वर्ष की आयु में उस छोटी सी कुटिया में अंतर ध्यान हो गए। इन वर्षों के दौरान लोग दूर दूर से हर रोज उस कुटिया के बाहर आकर भजन कीर्तन करते और वातावरण को सुखमय बनाते। छोटा बड़ा न कोई दर्दे, सब है एक समाना। छोटा बड़ा न कोई दर्दे, सब है एक समाना। मूर्ख परखण चले रब नु आखर में सच माना। परखण चले रब नु आखर में सच माना। मेरे सतगुरु दे अगेला, मेरे सतगुरु दे अगेला, चल सकिया चतुराइया। मेरे सतगुरु ने कीती अनेक कमाइया, मेरे सतगुरु ने कीती अनेक कमाइया। 12 वर्ष बीत चुके थे। दर्शन पाने के इच्छुक लोगों की भांति संत जी की माता जी भी कुटिया के बाहर बैठी हुई थी। 12 साल हो गए तपस्या करते हैं, तो इनकी माता इनके गुरु से कहने लगी,